ऋषिकेश में। अगर इसके साथ चला वर्तिका, जब तब भी बात हो गई थी टीम थी और अभी इंडिया में 8 सर्कम नेविगेटर्स हैं। Like Everest, तो बहुत हवा जो थी कम से कम एटलीस्ट हमको 140 किलोमीटर्स पर आवर की गति से चलने वाली तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा और जो वेव्स थी देवर एज हाई एज 9 to 10 मीटर्स। सो काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस थे और टेम्परेचर्स समटाइम्स द टेम्परेचर्स वुड ड्रॉप बिलो सब ज़ीरो, सो अबाउट -7 -8 डिग्रीज, स्नो ब्लिजर्ड्स और हेल स्टॉर्म्स का हमने सामना करना पड़ा। तो इस पूरे एक्सपेडिशन के दौरान मतलब हमारे सामने काफ़ी चैलेंजेस आए लेकिन हमने हमेशा साथ मिल कर के इस एक्सपेडिशन को एक सफलतापूर्वक एक अंजाम दिया, ये काफ़ी सेटिस्फैक्शन था और सबका सपोर्ट रहा। इट हैज़ बीन अ वेरी वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव मेट द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एंड उन्होंने हमको वो काफ़ी खुश थे हमसे मिल कर के और सबसे एक्सपीरियंसेस पूछे हमारे कि किस तरीके का ये पूरा अभियान रहा। और उन्होंने खासकर ये कहा कि उत्तराखंड में मतलब आप एज अ स्टेट देखें तो देर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट विच इज़ देर और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आप यहाँ के चिल्ड्रन एंड जो यहाँ के बच्चे उनमें एक इनहेरेंट टैलेंट है पहाड़ियों में कि कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है। मैं कहूँगी मेरी लाइफ के ये जो 254 डेज थे कि हर एक दिन और हर एक पल रोमांचकारी था बिकॉज जो ओशन होता है वो इतना बड़ा और वास्ट है कि वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ भी नहीं है और आपको हर समय 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। तो हम कभी भी बोट को उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते थे, हमें हर एक वक्त हर एक पल बोट का हमसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था।